अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मिसबाह हक ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जब से भी कमान संभाली है तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम संभल नहीं पाई मिसबाह हक से, और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम हार में तब्दील हो चुकी है, यानी कि मैच हारती चली जा रही है। पहले पाकिस्तानी क्रिकेट टीम T20 की आलमी नंबर 1 पर थी, लेकिन उसके बाद मिसबाह हक जब से आए तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम बहुत ही नीचे चली है। जी हाँ तो दोस्तों, आखिरकार चेयरमैन PCB एहसान मानी को सख्त फैसले करने पड़ गए। तो आपको बताने वाले हैं कि चीफ सेलेक्टर का ओहदा अब किस खिलाड़ी को मिलने जा रहा है। कुछ माहरीन तो कह रहे हैं कि चीफ सेलेक्टर का ओहदा शाहिद खान अफरीदी को मिलने जा रहा है, लेकिन कुछ कह रहे हैं कि इस ओहदे के लिए शोएब अख्तर मजबूत उम्मीदवार हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको क्रिकेट से रिलेटेड हर नई आने वाली न्यूज का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। जी हां तो दोस्तों, अगर आपको बताते चलें कि आप पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के नए चीफ सेलेक्टर कौन बनने जा रहे हैं, तो ये 100% कन्फर्म न्यूज़ है। ये मैंने डेली पाकिस्तान उर्दू पॉइंट की न्यूज़ से पढ़ी है, ये 100% कन्फर्म न्यूज़ है। तो आपको बताते चलें कि अब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के नए चीफ सेलेक्टर शोएब अख्तर बनने जा रहे हैं। जी हां तो दोस्तों, चेयरमैन PCB एहसान मानी और शोएब अख्तर के दरमियान बातचीत जारी है, और जब भी मामला तय पा गए तो वो चीफ सेलेक्टर बन जाएंगे।